इस कहानी का मेन किरदार वो इंसान है जिसको 100 सब्सक्राइबर्स चाहिए। वो इंसान है जो आज तक सपने देख रहा है कि यार एक दिन यूट्यूब चैनल खोलना है। मेरे हाल ही में 100 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हुए हैं, पर मेरे लिए वो काफी लंबा सफर था। 2 साल लगे मुझे ऑलमोस्ट ये 100 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने के लिए। अरे यार, तुमको 2 साल नहीं लगेंगे, बट ये वीडियो जरूर देखना। अगर तुम बस स्टार्ट ही कर रहे हो तो तुम्हारे लिए 100 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना भी एक अचीवमेंट है। मैं वो 100 सब्सक्राइबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो तुमने अपने दोस्तों और फैमिली से पाए हैं कि यार भाई प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर दे, अरे यार प्लीज यार सब्सक्राइब कर दे, यार तेरे दोस्त को भी बोल सब्सक्राइब कर दे। मैं वो 100 सब्सक्राइबर्स की बात कर रहा हूँ जो आज तक तुम्हें जानते ही नहीं है, जो यूट्यूब से कहीं तो आए हैं। 100 सब्सक्राइबर्स आने के बाद तुम शायद थोड़ा ज्यादा सीरियस हो जाते हो और सोचते हो कि 1000 कैसे करूं। मुझे थोड़ा मोटिवेशन तो मिला है यार 100 सब्सक्राइबर्स होने के बाद, पर ये सफर काफी लंबा था मेरे लिए। ये मेरे लिए एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है जो मैंने अपने घर वालों से, दोस्तों से, इनफैक्ट सभी से छुपा के रखा है। बहुत सारे लोग 100 सब्सक्राइबर्स पहुंचने के पहले ही यूट्यूब का सफर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलते या फिर धीरे धीरे मिलते हैं। मैंने जब YouTube चैनल स्टार्ट किया था, मुझे ऐसा लगा था कि यार मैं जो वीडियो डालूंगा ना वो वायरल हो जाएगा, यार ये वीडियो तो वायरल होना ही है। ये सोच के मैं हर वीडियो बनाता था और हर बार हारता था, पर काम करना नहीं छोड़ा मैंने। कुछ लोग 100 सब्सक्राइबर्स तक भी नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनको वो प्रोसेस ही पसंद नहीं है। प्रोसेस को पसंद करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वीडियो बनाना। अगर तुम्हें 100 सब्सक्राइबर्स नहीं मिले तो कैसे तुम 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए मोटिवेट होगे? और उससे भी तो आगे जाना है, अगर 1000 सब्सक्राइबर्स तक नहीं पहुंचे तो मोनेटाइजेशन की प्यारी अपॉर्चुनिटी तुम खो दोगे और शायद फिर तुम्हें पूरी जिंदगी वो जॉब करना होगा जो तुम्हें पसंद ही नहीं है। ये एक खूबसूरत सफर है, पर हाँ डर लगता है, हर दिन डर लगता है, हर वो वीडियो के पहले डर लगता है। पर अगर तुम पहुंच जाओ मोनेटाइजेशन तक और ठीक ठाक पैसे कमा लो तो मजा आने लग जाएगा। देखो, अपनी होप को छोड़ो मत, तुम सफल हो सकते हो। वीडियोस बनाना छोड़ो मत, हार मानो मत। देखो और समझो तुम्हारे वीडियोस क्यों नहीं चल रहे, उसे सुधारने की कोशिश करो, उसे तुम्हें भी मजा आएगा और तुम्हारा कंटेंट बेहतर होते जाएगा। खुद में भरोसा रखो, पॉजिटिव रहो, इस स्टोरी टेलिंग की जो कला है उसे सीखने की कोशिश करो और बस इम्प्रूव करते जाओ। अब सवाल ये उठता है कि तुम क्या करोगे तो तुम्हें थोड़ी हेल्प मिलेगी। अपने वीडियोस को एनालाइज करो, देखो क्या गलत हो रहा है, लोगों को अपने वीडियोस दिखाओ, उनसे फीडबैक लो और फिर उनको इम्प्रूव करो। जो भी लोग बोल रहे हैं उसको सीरियसली लो, लेकिन इतना भी सीरियसली मत लो कि तुम डीमोटिवेटेड हो जाओ और तुम वीडियोस बनाना ही बंद कर दो। कोलैबोरेट करो अपने से थोड़े बड़े यूट्यूबर्स से, उनसे पूछो कि उन्होंने क्या ऐसी चीजें की कि उनके पास सब्सक्राइबर्स आ गए, उनके सीक्रेट्स जानने की कोशिश करो। और अगर तुम जेन्युइनली पूछोगे तो वो तुम्हें बताएंगे। यूट्यूब कैसे काम करता है वो समझो। ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो तुम्हें हेल्प कर सकते हैं तुम्हारा यूट्यूब जर्नी में ग्रो करने के लिए। और ये सब सुन के, पढ़ के यार ये मत सोचो कि मुश्किल है, कितना सारा काम है, कैसे होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, ये सब सोचना बंद कर दो और बस प्रोसेस को लाइक करो। और एक बात याद रखो जो ऐ दिल है मुश्किल मूवी में कही गई थी, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। तुम्हें वो सफर या प्रोसेस या जर्नी खूबसूरत लगनी चाहिए, तभी ही तुम बिना रुके फुल डेडिकेशन से सालों साल वो कर पाओगे और उस रास्ते पे चल पाओगे। 100 सब्सक्राइबर्स मिलने के बाद खुद के बारे में थोड़ा बेटर फील करोगे, अभी अपना टारगेट 1000 का रख पाओगे। तुम्हारे स्किल्स इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं वो सोचो और काम चालू कर दो। अपनी स्टोरी टेलिंग, एडिटिंग, शूटिंग, रिसर्च, थंबनेल, टाइटल्स, ये सब चीज़ों पे फोकस करो। पर पहले स्टोरी टेलिंग, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उस पे फोकस करो। ये मत भूलो कि ये बस शुरुआत है और बहुत लंबा जाना है, बहुत दूर। अपने नॉलेज को अपडेट करते रहो, रोज़ सीखते रहो, सीखना बंद मत करो, सीखने से भी प्यार कर लो।
और ये बात ज़रूर याद रखना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। तो मंजिल पे वो नहीं है जो तुम्हें चाहिए, या फिर मंजिल इतनी खूबसूरत नहीं है, ये जो सफ़र है ये सबसे खूबसूरत है। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है कि हम खो ना जाएं कहीं।